अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो इस वीडियो के अंदर होने वाला है वो मैं आपको स्टार्ट के अंदर बता दूं ताकि किसी भी तरह का कोई भी इशू ना आप लोगों को रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूं, ठीक है, पेयोनीर की, जो कि आपने सॉरी एस्टेरा की। तो अभी आपने सबसे पहले जो काम करना है ना, वो ये करना है कि आप लोगों ने एक पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। उस पोस्ट के अंदर आप लोगों ने अपना एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करना है। अभी ये वाली जो वीडियो है वो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, तकरीबन वो 1 घंटे 10 मिनट की थी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा यानी कि डेमो दिखाया था, यानी कि एक क्लिक करके आधा क्लिक करके, तो वही वाला अकाउंट मैं अभी अगेन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये अकाउंट भी मैंने कब बनाया था। जीमेल के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर से और देन आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए 1 मार्च को मैंने यहाँ पर ये वाला अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। और 1 आज 2 मार्च है, तो आपको आज इसके ये वाली जो वीडियो इंशाल्लाह ताला शाम 7 बजे मिल जाएगी। लेकिन जो मेन चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर आपके अकाउंट के ऊपर सॉरी आपकी आईपी के ऊपर एक भी अकाउंट एड्स तेरा का बैन हुआ है, तो आपने उस आईपी के ऊपर अपना एड्स तेरा का अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर अपने माइंड के अंदर ये रखिएगा कि अगर आपके आईपी के ऊपर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे तो वो आपका लैपटॉप हो, ठीक है, या पीसी हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊपर आपका कोई भी अकाउंट एड्स तेरा का बैन हुआ है, तो आपने उसके ऊपर अगेन एड्स तेरा का अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। एक वो है मेन अकाउंट नहीं बनाना, एक और किस्म का अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर रेफरल प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोग को 2 ट्रिक्स बताऊँगा। एक के लिए आपको जो होंगी दोनों ही का सेम ही मेथड, एक पे पेड और फ्री दोनों के अंदर होंगी, ठीक है। लेकिन एक आप लोगों के लिए उन लोगों के लिए होगी जिनके पास अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, ठीक है। मतलब ये कि अगर वो डेली के अपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर 15,000 या 20,000 तक ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, वो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप में से भी, ठीक है ना। फेसबुक ग्रुप में से भी लोग देते हैं, फेसबुक की ट्रैफिक भी देते हैं, तो वो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि अभी इस चीज़ के जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा करें, स्टार्टिंग के अंदर मैं आप लोगों को जो मेन ट्रिक है वो आपको बताऊंगा, रेफरल वाली, ठीक है। रेफरल वाली क्या ट्रिक है, अगर आप यहां पर आते हैं ना रेफरल्स के अंदर, ठीक है, रेफरल प्रोग्राम के अंदर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चीज कि कोई आपके लिंक से कोई बंदा भी अगर ज्वाइन करेगा, ठीक है, ज्वाइन करेगा, तो वो उसे फॉर एग्जाम्पल उसने $100 जनरेट किए ना, तो आप लोगों को उसमें से $5 मिलेंगे, ठीक है, 5% आप लोगों को उसका मिलेगा। अब होता क्या है कि बिल्कुल अगर आपके पास ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो आप लोगों ने रेफरल के ऊपर ही काम करना है। आपने अपने रेफरल प्रो यानी कि लिंक से आप लोगों ने 15 से 20 अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। वो वाले जो अकाउंट हो गए वो आप लोगों ने अपने अलग अलग दोस्तों या से भी करवा सकते हैं, उनके पीसी के अंदर या लैपटॉप या उनके अंदर भी करवा सकते हैं। लेकिन फिर करना क्या है, वहाँ पर से ये वाला जो है डायरेक्ट लिंक है वो जनरेट करवा कर आप सॉरी ये अकाउंट क्रिएट करवा कर आप लोगों ने एक डायरेक्ट लिंक वहाँ से जनरेट करवाना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने दोस्त या जिस किसी से भी आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे को कहना है कि भाई आप मुझे डायरेक्ट लिंक सेंड कर दो, ठीक है। ये तो पहली बार हो गया। अब होगा क्या है कि अगर आप लोग इसके ऊपर आप लोगों को $1 पर क्लिक के हिसाब से बहुत अच्छी खासी आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि उस बंदे से जो डायरेक्ट लिंक है वो लेना है और इसको आप लोगों ने नोट पैड की फाइल के अंदर रखते जाना है, ठीक है। और एक बात, कभी कभार ऐसा होगा कि आपका ये वाला जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कि आपके जो अकाउंट वगैरह जो कि आपके दोस्तों के पास है वो सस्पेंड हो जाएंगे और अगेन आपने वहाँ पर बनाने नहीं है। फिर आप लोग ने क्या करना है, फिर आप लोग ने ये करना भाई जना, आपने ये अकाउंट से रेफरल वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर से आपने इसका लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पर जाना है। आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बता रहा जाऊँ, यहाँ पर से ये वाली DitchVUSOX.US, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को प्रीमियम आप लोगों ने इसका बाय कर लेना। प्रीमियम कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, ठीक है, $1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आप लोगों का $1 से लेकर $50 तक भी इसका यानी कि रेफर वो है, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों का $1 के अंदर पड़ेगा, ठीक है, और 50 यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो एक है यहाँ पर से $8 के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या आपको 30 यानी कि डेज के लिए आप लेंगे और 50 इसकी लिमिट है डेली की,
ठीक है, और एक है 15 दिन के लिए। ठीक है, 15 दिन के लिए आपको 5,000 के अंदर मिलेगी, और डेली के 50 प्रॉक्सीज आप यूज़ कर लेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना कि इसके जो ऐड वगैरह है वो VPN के अंदर शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाँ ऐसा ही है, VPN के अंदर, प्रॉक्सी के अंदर शो नहीं करते हैं, लेकिन SOX 5 के अंदर इसके जो एड्स हैं वो शो करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर के ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर भी ये चीज़ शो करते हैं इसके ऐड वगैरह। अब रेजिडेंशियल प्रॉक्सी किसी भी VPN के नहीं है, मास वाइज चंद एक के, जिसमें से एक जो है वो है टक्सलर VPN। ठीक है, कुछ लोग इसको कहेंगे कि यार ये तो पेड है, लेकिन मैं आपको और उनको बताऊंगा इसको आपने फ्री के अंदर किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है ना, तो अभी मैंने इसका कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ये मैं पहले बता दूँ कि ये जो चीज़ है वो किसी किसी लैपटॉप के अंदर शो आपके लिए सही काम करेगी, फ्री वाला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी को, सॉरी टक्सलर VPN को फ्री के अंदर यूज करने वाली। लेकिन प्रॉक्सी, सॉरी RDP के अंदर तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है ना। मास वेक चंद एक RDP के कभी कभार लक से आपका हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वरना वहां पर भी ये प्रॉपर वर्क नहीं करती ये वाली ट्रिक। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी एक वेबसाइट, सॉरी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उस ब्राउजर के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर ये वाला होगा, ठीक है, इसके अंदर मैं टक्सलर VPN को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंशन वगैरह वो पहले मैं यहाँ पर से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये बड़ी एक्सटेंशन है ताकि किसी भी तरह का कोई भी बफरिंग वगैरह ना हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर से टाइप करता हूँ जी, वही वाला जो लिंक मैंने अभी कॉपी किया था रेफरल वाला, उसका मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि यहाँ पर से टक्सलर VPN को इंस्टॉल कर लीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं टक्सलर VPN को इंस्टॉल कर दिया, टेक्सचर VPN एक्सटेंशन, ये सर्च किया गूगल वाले, यहाँ पर से गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पर से आपने इसको भी ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दिया, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और अभी आप लोग ने क्या करना है कि यहाँ पर से ये जब आप एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी आपके पास, ये एक आप लोगों को सॉफ्टवेयर देगी, वो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर से डाउनलोड फ्री ऐप के बटन पर क्लिक करना आप लोगों ने। ठीक है, और वो वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से तकरीबन 2 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा, डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यस के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है यार, इसकी ना जो मेन ट्रिक है वो यही है कि आप लोगों ने ऐड शो करवाना है अपनी उसके अंदर, VPN के अंदर और प्रॉक्सी के अंदर, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर से ही मिलेगी। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। तो अब ऑटोमेटिकली आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, किसी भी तरह की कुछ भी आप लोगों ने नहीं करनी, एक विंडो आप लोगों के इस न्यू टैब, सॉरी न्यू टैब के अंदर एक टैब ओपन हो जाएगा, जिसके जो के होगा आप लोगों का टेक्सचर के VPN के बारे में। ठीक है ना, उसके अंदर उसने बताया होगा कि आपने तीनों फेज जो है वो उसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका तकरीबन 20-30 सेकंड के बाद, और यहाँ पर तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोगों ने टक्सलर VPN को इसको पिन निकाल लेना, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर USA का सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर से देखिए ये डाटा सेंटर के ऊपर है। अभी आप कोई भी अपना डायरेक्ट लिंक को यहाँ पर से पेस्ट करेंगे ना, लाइक मैं अगर डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर से मैं कोई भी एक डायरेक्ट लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो डायरेक्ट लिंक है इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पर से, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इंटर के बटन पे क्लिक करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए अनोमिस प्रॉक्सी डिटेक्टेड यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब आप इसका ये वाला मोड चेंज करेंगे ना, ठीक है, रेजिडेंशियल वाला, आपके इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, रेजिडेंशियल वाला जब आप सर्च करें, अगेन मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी हमारा जो ऐड है वो यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। ठीक है ना, ये है भाईजान इसका जादू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर से आपने इसको अलाउ वगैरह कुछ भी नहीं हमने करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वक्त हम इसको यहाँ पर से कट कर देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, मतलब ये आपका ऐड तो शो हो ही गया ना। अभी हमने क्या करना है, वो वाला जो रेफरल वाला है ये मैं उस वक्त आपको बता रहा हूँ जब आपके दोस्तों के पास, या अगर आपके पहले ही नहीं है तो फिर आप पहले ही इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पर से अभी इस वक्त हम फ्री वाला जो वर्जन है ना, ठीक है, इसका वो यूज़ कर रहे हैं टक्सलर VPN का। ठीक है, तो और जो प्रॉक्सी वो किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फास्ट किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखिएगा कि हम साइनअप कर रहे हैं। ठीक है, साइनअप करने के बाद यहाँ पर देखिए भी जब याद रखिएगा, जब कभी भी आपने साइनअप करना ना अपने रेफरल से। ठीक, अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर पहले ही कर दूँ तो यार ये बेस्ट चीज़ होगी ताकि आपको बाद में कोई इशू कराना पड़े। अभी यहाँ पर अगर रेफरल के अंदर आते हैं ना, तो भाई जान यहाँ पर देखिएगा कि आपको 5% का, वो बोलता है कि आपको 5% मिलेगा ईच के पर्सन से, एक ईच यूज़र से।
अब आपने क्या करना है कि 10-15 जो भी आप लोगों ने अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट होंगे उन 10-15 के 15 के डायरेक्ट लिंक को आप लोगों ने कॉपी करना और उसको एक पोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। या ये आप पर डिपेंड करता है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग किसी के ऊपर के काम करें, मतलब एक अडल्ट के ऊपर काम करें या नॉन अडल्ट के ऊपर काम करें। अडल्ट के ऊपर जो है वो रेवेन्यू आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ठीक है। नॉन अडल्ट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। अडल्ट के ऊपर आपको यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट को खुल कर आती है, उसके ऊपर आप लोगों को अकाउंट को क्रिएट करना होता है और वहाँ पर से आप लोगों को अच्छा खासा यानी कि रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गैम्बलिंग इनके एड्स वगैरह दूसरे के ऊपर करना चाहते हैं तो वहाँ याद रखिएगा, जब तक आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। वो चाहे हो आपका क्या बोलते हैं कि इस चीज़ का कि आप लोगों ने किस तरीके से ये काम करना है, मतलब ये अडल्ट के ऊपर ऊपर हो या तो फिर दूसरा हो, जब तक आप लोगों ने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। और उसके बाद अभी आप लोगों के लेट्स सपोज के आप लोगों के रेफरल 15 रेफरल आप लोगों के पास मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो ये आप खुद भी काम कर सकते हैं, अपने साथ एक टीम बना सकते हैं, ठीक है। डेली के आप आराम से $50-60 यहाँ पर से अर्न कर सकते हैं आराम के साथ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि $5 है ना। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब आप लोग एक एक क्लिक के ऊपर, अभी हमने ना क्या करना है कि यहाँ पर से ना IPs लेनी है, सॉक्स लिस्ट के ऊपर जाकर ना हम लोग ने IPs लेनी है। अब यहाँ पर ये वाली सारी की सारी IPs, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट की कोई भी एक IP लेता हूँ ना, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो यूनाइटेड स्टेट की एक IP मुझे यहाँ पर से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यूज़ टूडे आ गया, एक IP मैंने आज के दिन यूज़ कर लिया। और इस IP के ऊपर मैं जाऊँगा, इसको लगाना किस तरीके से वो बताता हूँ। तो आपने इस IP के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और इसको कॉपी करना है और वहाँ पर लेकर चले जाना। अब आपने क्या करना है, वो 10-15 से 15 जो आप लोगों के डायरेक्ट लिंक होंगे वो आप लोगों ने एक उसकी एक पोस्ट बना लेनी है, एक ब्लॉग और पोस्ट बना लीजिए या कुछ भी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो गूगल पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं site.google.com को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हम एक पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है। पोस्ट मैं क्या बनाऊँ, अगर आप लोगों के पास दूसरा अडल्ट के ऊपर काम करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से आप लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकॉग्निटो विंडो के अंदर बेस्ट फॉर साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों ने इसको ये चीज़ सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको जो कुछ भी मिलता है सामने, ठीक है, उसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर अभी मुझे नहीं उम्मीद है कुछ वेबसाइट यहाँ पर से ओपन होगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों ने इनके किस्सा मुख्तर आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक आर्टिकल लिख लेना है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर से इसको ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर आप लोगों को एक पोस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक पोस्ट। तो यहाँ पर से आप लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक्स लेना है, टेक्स्ट बुक्स लेने के बाद यहाँ पर से आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपने इससे भी पहले एक और काम कर लीजिए आप, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता ना, मैंडेटरी आपको नहीं कहूँगा, ठीक है, ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर से योर पे टाइटल वगैरह ना, यहाँ पर से आप लोगों ने इसके नीचे एक बटन लगा देना है, एक, ठीक है, या लिंक लगा देना है, ठीक है। वो लिंक आप लोगों का भेजना होगा इस चीज़ के बारे में, मेम्बर के ऊपर क्लिक करना ना, ठीक है, बाय URL। तो यहाँ पर से जो आपका डायरेक्ट लिंक होगा वो आप लोगों ने पेस्ट कर देना है यहाँ पर से, या कोई बटन लगा दीजिए यहाँ पर से, ठीक है। बटन लगाने के बाद ये मतलब ये कि फ्री साइट वगैरह के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड का बटन अब के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या क्योंकि जितना आपका लेजिट लगेगा उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा ये चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है इसी तरीके से। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से जो बटन वाला है ना, वो एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, ठीक, क्लिक माइंडेड वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों ने इसको बटन वगैरह जनरेट कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है जी साइट, गो टू साइट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टाइप कर दीजिए गो टू साइट, तो ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। और उसके बाद आपने यहाँ पर से इस बटन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने एक इमेज लेनी है, ठीक है। यहाँ पर से इमेज के अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और वही वाला जो बटन है वो हम यहाँ पर से ले लेते हैं, ठीक है। इसको सेंटर के अंदर कर देते हैं और यहाँ पर से आप लोगों ने अपना डायरेक्ट लिंक होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर से इस जगह पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगेन इसको कॉपी करना, पीछे नीचे पेस्ट करते जाइए,
चाहिए, अब अपने दूसरे अकाउंट का जो लिंक है वो इसके नीचे देना है, इसी तरीके से फिर तीसरे अकाउंट का लिंक है वो इसके अंदर, आप लोगों को एक पूरी मुकम्मल पोस्ट क्रिएट करनी है इसके बारे में, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, एड ब्लॉकर के बारे में आए, तो देन आप लोगों ने एड ब्लॉकर के बारे में एक पोस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन हर एक के अंदर अलग अलग आप लोगों ने अपना लिंक देना, ठीक है। अभी आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर 10 लिंक्स देने हैं, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर से आप लोगों ने 10 लिंक देने हैं, और बाकी के जो 5 अकाउंट है उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं करना, जो आपके बाकी के जो 5 रेफरल्स होंगे उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है, मतलब ये इनवैलिड काम नहीं करना, खुद क्लिक्स वगैरह उसके ऊपर नहीं करने आप लोगों ने। जब आप लोग यहाँ पर ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और आप लोगों ने इसको पब्लिश कर देना, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से एड्रेस वगैरह हमें कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर पॉपुलर टॉप साइट्स, मोस्ट पॉपुलर टॉप साइट्स, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख के दे देता हूँ फिल वक्त, ठीक है। उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी इसको मैं यही टाइप कर देता हूँ, और देन पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दिया मैंने, और ये वाली जो पोस्ट का जो लिंक है इसको व्यू वाला, इसको आप लोगों ने संभाल कर रख लेना मेरे पास, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर से आप लोगों की ये पोस्ट क्रिएट हो गई है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपके जितने भी आप लोगों ने रेफरल क्रिएट किए होंगे ना, यहाँ पर से अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, वो चीज़ आपको बता रहा था कि यहाँ पर से अगर आप लोगों का आपके दोस्तों के साथ सारा इन्हीं का अकाउंट सस्पेंड हो गई है, तो उसके बाद आप लोगों ने याद रखिएगा ये चीज़ आपके लोगों की सस्पेंड हो जाएगी, यहाँ पर एड्स 13 का विदाउट ट्रैफिक आप लोग काम नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। विदाउट ट्रैफिक के ऊपर काम करने का सिर्फ एक ही तरीका, वो यही है कि आप लोग रेफरल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। अगर आपका एक रेफरल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से अगर 15 रेफरल है, 10 के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डेली का अगर आप लोग $100 एक अकाउंट के ऊपर जनरेट करते हो, ठीक है, आपने डेली का $100 एक अकाउंट के ऊपर जनरेट किया है ना, तो मतलब ये वो 10,000 वहाँ पर से बनता है वो, ठीक है। $1,000 में से आपका 5% है वो आप लोगों को वहाँ पर से मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप लोगों का $1,000 है वहाँ पर से, $100 है वहाँ पर, आप सबको आप लोगों को वहाँ पर से $5 एक एक अकाउंट में से मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका $1,000 हो जाएगा तो वहाँ पर आपको 50 अकाउंट के वो $50 मिलेंगे, और ये काम आप लोग का पर डे कर सकते हो आराम के साथ, ठीक है ना। इसको आप लिए, इसके लिए बस यही चीज़ है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी आराम से $50-$60 इतने आराम लोगों से आप लोग यहाँ पर से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप टीम बना लेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये वाला जो अकाउंट होगा ना, जो पहला वाला जो मेन अकाउंट होगा रेफर वाला, वो आप लोगों ने उस आईपी के ऊपर क्रिएट नहीं करना जिसके ऊपर पहले आपका कभी एड्स 13 का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने एक वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट कर लीजिए, और उसके ऊपर भी आप लोग इसके मेन अकाउंट के जो एड्स वगैरह, बैनर एड्स वगैरह, वो बाकी के लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप अपने सेल्फ क्लिक्स वगैरह करने हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने वैसे ही करने, जो अभी मैं आप लोग बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर से आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर आप लोगों का ऐड वगैरह शो करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर से अपना अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, एक नया। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ। तो मतलब ये कि जिस तरह से अगर आप लोगों के दोस्तों के पास हर जगह आप लोगों के जो अकाउंट वगैरह है वो ख़त्म हो गए हैं, देन आप लोगों ने प्रॉक्सी लगा कर क्रिएट करना है, या फिर VPN लगा कर आप लोगों ने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, और VPN में आप लोगों ने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी वगैरह लगा कर जनरेट करना है, ठीक है। मेल दी यहाँ पर से मैं फुल नेम टाइप कर देता हूँ, और देन यहाँ पर इसका यूज़र नेम, फुल नेम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम है वो भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर से मैं टाइप कर देता हूँ इसका, और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर से मैसेंजर है तो मैसेंजर के जगह पर आप व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर अपना दे दीजिए। तो यहाँ पर से मैं अपना नंबर दे दिया, बल्कि ये मेरा नंबर है, एक हिस्सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है क्योंकि पहले काफ़ी सारे बार मैं इसको दे चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर था हैव रीड एंड एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करके साइन अप के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर से एक चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर हम वो वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक, जो कि हमारे रेफरल्स के हैं, तो हमें बोनस मिलेगा या तो फिर नहीं। भाई जान उनका अकाउंट सस्पेंड हो, वो वाला जो अकाउंट है जो कि आप लोगों को किया था, तो आप लोगों का अकाउंट तो आप लोगों का ही है, अगर वो सस्पेंड भी हो गए तब भी आप लोगों को यहाँ पर से जो रेवेन्यू है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, और वो 100% आप लोगों को मिलेगा। और दूसरे नंबर के ऊपर आप इसकी जो पेमेंट वगैरह वो कब कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वक्त मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ साइन अप वाले के बटन के ऊपर, और यहाँ पर से पर अकाउंट ओपन योर इनबॉक्स के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप लोगों का मेल आने के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो तब तक आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ताकि यार मैं नहीं मानता चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो और आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन ये वीडियो बोरिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि जो कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ
और यही सेम चीज़ इसी पर वेबसाइट को यूज़ करते हैं भाईजान, यहाँ पर से आपका एडसेंस लोडिंग के लिए, और इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं यूट्यूब के सीपीएम के लिए, और इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं सीपीए लीड के लिए। ठीक है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है यार, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। ये अभी इसने थोड़ी सी प्राइस अपनी नीचे की है, यहाँ पर ये वाला जो प्लान है ना, जो $5 वाला जो प्लान है, सॉरी $8 वाला जो प्लान है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये पहले $5 के अंदर मिलता था, लेकिन अभी इसने यहाँ पर से ये $5 के अंदर कर दिया, $8 के अंदर कर दिया। और ये वाला जो था ये आई थिंक $3 के अंदर मिलता था आप लोगों को, ठीक है, और ये वाला इसकी प्राइस जो है ये $50 थी, अब इसके $75 यहाँ पर कर दिए इसने। ठीक है, तो बस वही, जब मतलब जब जब ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने लगते हैं तो फिर उनको भी फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी कमाल की है। ठीक है, एक मुझे इशू आ रहा था, उस बंदे ने खुद एनी डेस्क के ऊपर आकर, ठीक है, तो मेरे साथ नहीं कि उसने एनी डेस्क के ऊपर आया और उसने खुद मसले को फिक्स किया। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट इस भी इसकी कमाल की है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ने क्या करना है कि यहाँ पर से जाना इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर से अभी तक हमें कोई भी मेल वगैरह नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं एक बार पेज को रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, तो अभी तक भी मैं हमारे पास मेल वगैरह नहीं आई है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से गो लॉगिन को यूज़ करना है। गो लॉगिन क्या है? गो लॉगिन एक भजन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप लोगों को ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गो लॉगिन बीटा ये यहाँ पर मेरे पास एक मौजूद है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। तो ये वाला एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप लोग अपनी ब्राउज़र बना सकते हैं अलग अलग, और अलग अलग ब्राउज़र के अंदर अलग अलग प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और जो सोक्स, ये मैं आपको वेबसाइट बताई है, यू एस सोक्स, वी यू सोक्स, जो भी है, डिच वी यू सोक्स वगैरह। ठीक है, तो ये वाली जो वेबसाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर से अपना अकाउंट इनके प्रॉक्सी लगाने की इजाज़त देती है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सब प्रोफाइल को डिलीट करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताता हूँ कि जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ने यूज़ करना है, या फिर देखिए मेरे पास ट्रायल 2 डे लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, इसको बढ़ाना किस तरीके से वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो लॉगआउट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर से। ठीक है, जैसे आप लॉगआउट के बटन पर क्लिक करोगे, जब आप लोग पहली बार आप लोगों ने आना तो कुछ इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने होगा। आई डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी मेल देनी है, मेल भेजना ओरिजिनल नहीं देनी है, टेम्प मेल देनी है, कुछ भी आप लोग यहाँ पर इस तरीके से टैप करके एट द एंड आप लोगों ने यहाँ पर @gmail.com आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पासवर्ड के अंदर पेस्ट करना है, कन्फर्म पासवर्ड के अंदर पेस्ट करना है, साइनअप के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो देन आप लोगों का जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को जब भी आपका जो ट्रायल वगैरह वो एंड हो तो आप लोगों ने सेम ऐसा ही करना है। ठीक हो गया, और उसके बाद एडस्टेरा की तरफ से भी हमें मेल वगैरह आ चुकी है, तो सिंपली आप लोगों ने इसको कन्फर्म ईमेल के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि जिस भी ब्राउज़र के अंदर, जिस प्रॉक्सी के अंदर को लगाकर आप लोग ये वाला एडस्टेरा का अकाउंट बनाओ ना, तो उस ब्राउज़र को आप लोगों ने अगेन ओपन ही नहीं करना है, बस आप लोगों ने वहाँ से डायरेक्ट लिंक जनरेट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने उस जगह पर जाकर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर जो आप लोगों ने पेस्ट किया ना यहाँ पर पेस्ट कर देना है बस, और कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना है। ये काम करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर से ये वाला अकाउंट मेरा ओपन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से भी हमारा प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, पता नहीं पिछला आजकल बारिश वगैरह हो रही है, तो आई थिंक इसी वजह से इसका इशू वगैरह बना हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से अपना जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह वो देंगे, तो ईमेल हमने पहले से कॉपी करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद सिंपली लॉग इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर से आप लोगों ने सिर्फ अपना एक डायरेक्ट लिंक लेना है, और आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है, इसके बाद में हम क्लोज़ कर देंगे। और याद रखिएगा कि इस वेबसाइट के जो डायरेक्ट लिंक होंगे, सॉरी इस अकाउंट के जो डायरेक्ट लिंक होंगे, वो आप लोगों ने 24 से 48 घंटे तक यूज़ नहीं करना, आप लोगों को उसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, और मतलब ये कैसा नहीं करना कि जैसे वो आप लोग इसका अकाउंट क्रिएट करो तो उसी वक्त ही आप लोग शुरू हो जाओ उसके ऊपर काम करने के, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को जो सीपीसी रेट है वो हाई नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यार मैंने इसके ऊपर 1.5 साल दिया हुआ है, मैं आप इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये क्या किस वक्त क्या कुछ करता है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर इसका पेयोनीर के अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पेपाल बिटकॉइन वगैरह नहीं है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप बिटकॉइन के अंदर लें, $100 जैसे कंप्लीट हो तो आप लोगों का बिटले के अंदर आप लोगों को ये दे देगा पेमेंट। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर से, हाँ एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन अकाउंट है। ठीक है, ये वाला इस मेन अकाउंट का जो डायरेक्ट लिंक वगैरह होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर नहीं लगानी है। ठीक हो गया, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से इस वेबसाइट को, ये वाला अकाउंट हमारा बन गया, बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर से डायरेक्ट लिंक को जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं एडल्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने एड गॉट इट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
अब आप लोग ने क्या करना है, एक और इसका जो डायरेक्ट लिंक आ गया इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी मेरी ये वाला इसके अंदर जो डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है वो इस वेबसाइट का लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये काम नहीं करना है क्योंकि अभी मेरे पास इसके अंदर कोई भी अकाउंट वगैरह मौजूद नहीं है, जो कि मैंने आपको कहा 10-15 अकाउंट आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी हमारा एक अकाउंट हुआ है तो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर से 10 अकाउंट लगाने, 10 के 10 आप लोगों ने अपने रेफरल्स के लगाने हैं, जिस बंदे का रेफरल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाना है। और उसके वजह से यहाँ पर ये वाला आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तब तक आप लोगों को यहाँ पर से अकाउंट क्रिएट हो चुका है ये वाला भी, तो आप सिंपली यहाँ पर कुछ भी क्लिक करते जाइए, ये आप लोगों का अकाउंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इन सब प्रोफाइल्स को मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यस के बटन पर क्लिक, ये ऑटोमेटिकली पहले से बनी हुई आएंगी, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं कि ये आप लोगों ने अभी क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि दोनों की सेटिंग, अगर आप लोगों के पास ट्रैफिक है मौजूद रहे, आपके लोगों के पास ट्रैफिक है तो मतलब ये डेली के आपके डायरेक्ट लिंक के ऊपर 15 से 20 हज़ार आप लोग फेसबुक से बाई कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पर से कंपेन रन करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पर से करना चाहते हैं तो देन आप लोगों ने क्या करना है कि भाई जान यहाँ पर से जो प्रॉक्सी वगैरह होगी यहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले डिवाइस कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, आप एंड्राइड भी कर सकते हैं, विंडो, इन दोनों के ऊपर काम करना है। इनके अंदर कभी कभार आप लोगों के जो वेबसाइट है वो लोड नहीं होती है, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास अच्छे तरीके से वर्क करती है तो आप इन डिवाइसिस को भी यूज़ कर सकते हैं, मैक ओएस M1 और लिनक्स वगैरह, ठीक है। अभी मेरे पास एंड्रॉइड और विंडो है तो मैं फिलहाल विंडो को यूज़ करता हूँ। प्रॉक्सी के ऊपर जाना है, यहाँ पर से आप लोगों ने SOX 5 प्रॉक्सी को सेलेक्ट करना है, और जो आप लोगों की यहाँ पर से वो होगी ना, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी, वो आप लोग ने यहाँ पर से बाय कर ले, सॉरी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। सॉक्स लिस्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी किसी भी वेबसाइट को आप लोग यहाँ पर से ओपन कर दीजिए, लाइक मैं यहाँ पर से यूनाइटेड स्टेट का एक लेना चाहता हूँ, तो इस आईपी को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों ने इस आईपी को उसी वक्त ही यूज़ करना, भी देखिए मेरा अगेन इस पेज के ऊपर आया तो पहली बार प्रॉक्सी गायब हो गई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब इसको विजिबल करते हो आप लोगों ने उसी वक्त इसको यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कंट्रोल एक्स से कट कर देना है, और यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर देना। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों ने रेफरल के ऊपर काम करना है, उन लोगों को किसी भी तरह के कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें वो, जो कि नो हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर से आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर नो हिस्ट्री, ये आप लोगों ने अपनी एक बार बस एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी, आपको हर एक ब्राउज़र के अंदर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाले जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है, तो वो ये उन लोगों ने करनी है जिन लोगों ने रेफरल के ऊपर काम करना है, जिन लोगों के पास ट्रैफिक है, जो खुद क्लिक्स करने हैं, तो उनको लोगों के लिए कुछ मैं आपको वेबसाइट बता एक्सटेंशन बता देता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों ने करनी है WebRTC, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये चीज़, तो यहाँ पर आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों की ये एक वेबसाइट WebRTC कंट्रोल, ठीक है, WebRTC प्रोटेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार करके, यहाँ पर से ये वाली एक होगी है, एक ये वेबसाइट एक्सटेंशन होगी है, इसी तरीके से यूज़र एजेंट, ठीक है, ये एक वेबसाइट डिप होगी है, यहाँ पर ये टॉप वाली, ये हैट वाली है, ठीक है, ये होगी है। उसके बाद भाई जान फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ये आप लोग पूरा टाइप करेंगे तो तब आपके सामने ये वाली एक्सटेंशन एक आएगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद तो रैंडम यूज़र, आप यहाँ पर जैसे रैंडम यूज़र्स सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास एक ये वाली आ जाएगी एक्सटेंशन, ठीक है, रैंडम यूज़र एजेंट। और यहाँ पर आपकी 6 ये वाली हो गई हैं, और 7वीं होती है फॉक्सी प्रोक्सी, लेकिन वो आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करनी अगर आप लोग गो लॉगिन के ऊपर काम करते हैं तो, ठीक है। इसको कट कर देना इस तरीके से। उसके बाद WebRTC को आप लोगों ने डिसेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जियो लोकेशन को आप लोगों ने यहाँ पर से ब्लॉक कर देना है। एडवांस के अंदर आप लोगों ने आना, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखनी एक चीज़ का, अगर आप लोगों की यहाँ पर से जो IP है वो चाइना की है, ठीक है, या फिर कनाडा की है, किसी और कंट्री की है, तो आप लोगों ने यहाँ पर से लैंग्वेज आकर चेंज करनी है, ठीक है। लैंग्वेज आप लोगों ने उस कंट्री की यहाँ पर से सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री के आप लोग IP यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिर वक्त मैं यूनाइटेड स्टेट की IP यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर से इंग्लिश US से अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नाम दे दीजिए फर्स्ट के नेम से, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग सिंपली रन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर रन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बार जो प्रॉक्सी होगी वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी, मतलब ये कि ये बार एक ब्राउज़र ओपन कर देगी आप लोगों के सामने, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि
यहाँ पर से मैं इस पेज को फुल करता हूँ। यहाँ पर से हु आर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हु आर डॉट नेट, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और उसके बाद यहाँ पर से ब्राउज़र चेक कीजिए, बोलिए ये पिन होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर से आप ब्राउज़र हु आर नॉट डॉट नेट वेबसाइट उसके ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका 100% ये चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ कभी एक बार शो नहीं होती है उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ, या तो फिर आप लोगों को ये कंट्री होती है ना उसका टाइम और आपकी आईपी का टाइम ये चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी रखनी है, आपका 100% ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जब 100% होगी, मतलब ये कि 100% ये प्रॉक्सी भी नहीं लगाई हुई है इसने, ये खुद को छुपाया हुआ भी नहीं है, और ये वाली जो प्रॉक्सी वो ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है। अभी अक्सर कहा यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लैक लिस्टेड शो कर रहा है, ठीक है। यस, ये वेबसाइट डोमेन वो ब्लैक लिस्ट है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ये कभी बस ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। कभी एक बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो नो वाली भी है वो भी आप यूज़ करेंगे तो उसको भी वो यस कर देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने नहीं रहना, ठीक है, ये ब्लैक लिस्ट वाली जो है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से आप लोगों ने अपना डायरेक्ट लिंक को यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। मेरे पास जो डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला है, तो मैं सिंपली यहाँ पर से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर से इस ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, यहाँ पर से वो वाले जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो आप सारी सारी आप लोगों ने इसकी सेटिंग वगैरह किसी की कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्पूफिंग वाली है ना इसकी आप लोगों यहाँ पर सेटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को इन सबको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस पे बटन पर को क्लिक करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इन सब को टाइम जोन करेक्ट वेब आरटीसी वगैरह सबको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना अपने जो वेबसाइट होगी आप लोगों की। अब होगा क्या, अभी यहाँ पर देखो एक ट्रिक यहाँ पर चेक कीजिए, वो यहाँ पर ये कि जब आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करते ही आप लोगों के सारे लिंक्स यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसके पर एक के ऊपर क्लिक करेंगे वो बंदा जाएगा, तो आपने आर्टिकल कंप्लीट लिखना है एक आप, ठीक है ना, आपने 1500 वर्ड का, और उसके नीचे आप लोगों ने ये ऐड वगैरह लगाने, ठीक है। गो टू साइट के बटन पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना, जैसे आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली ले जाएगा आप लोगों के डायरेक्ट लिंक के ऊपर। कभी कभार ऐसा हो सकता है, मतलब 100 में से कभी एक बार वो ये होगा कि आप लोगों को, अगर आप लोग इसकी प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पर से वो वाली चीज़ आ जाएगी कि आप लोगों ने अनोनिमस प्रॉक्सी डिटेक्टेड वाला चीज़ आप लोगों को आ जाए, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर से विनर एक वेबसाइट आ गई है, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर अकाउंट वगैरह अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्रिएट माई फ्री अकाउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से आप लोगों ने टेम्प मेल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेम्प मेल को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने अपना ईमेल देंगे, निक नेम देना, रेफरल कोड वगैरह अगर आप लोगों के पास हो तो दे देना, अदरवाइज नहीं आ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर से दो वेबसाइट को ओपन कर लीजिए किसी को भी, कभी कभार ऐसा होता है किसी एक वेबसाइट की जो ईमेल है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इस मेल को यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, तभी ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो गई है, तभी मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो नहीं स्टार्ट करते हैं।